नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक और आज हम बिहार के जनता से जानेंगे कि जनता की पसंद कौन, रवीश कुमार या सुधीर चौधरी। तो आइए जानते हैं जनता की राय। जनता की पसंद कौन, रवीश कुमार या फिर सुधीर चौधरी? रवीश कुमार, वो जेन्युइन बात बोलते हैं, चटुकारता नहीं करते हैं, सच्चाई बोलते हैं, आईना दिखाते हैं समाज को, इसलिए सुधीर चौधरी को फेवर करेंगे। और रवीश कुमार के लिए भी ठीक है, हम जर्नलिस्ट तो बढ़िया हैं, लेकिन जो उनका थोड़ा सा जैसे सेकुलर टाइप, लिबरल टाइप के जो थॉट्स हैं उनका, वो ज़्यादातर हम जैसे युवाओं को तो नहीं पसंद आता है। मुझे तो राष्ट्रवाद पे ही ये है, बिलीव है, और फॉलो करने के लिए राष्ट्रवाद ही मेरे लिए भी अच्छा, सबके लिए अच्छा। रवीश कुमार की, रवीश कुमार जी। अच्छा, क्या खास बात लगा रवीश कुमार में आपको? पॉइंट टू पॉइंट जो है ना, बिल्कुल वो जो है बात करते हैं रवीश कुमार जी हैं कि मतलब जो भी आपका डिबेट वगैरह है तो पॉइंट टू पॉइंट अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखते हैं। रवीश कुमार सेकुलरिज्म के कारण ही कोई एक मतलब एक्सेसिव टॉपिक पे बोलते हैं, जैसे नेशनल लेवल पे जैसे नहीं बोल पाते हैं, इसी कारण से। मुझे भी रवीश कुमार की एंकरिंग बहुत पसंद है क्योंकि वो अपोजिशन की वाट लगा के रखते हैं, मतलब हमेशा उन्हें जो भी पूछना होता है वो फ्रैंकली पूछ सकते हैं उनसे तुरंत एकदम, और शायद अपोजिशन के पास उनके बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं भी रहता है, और वो बहुत अच्छे तरह से अपने अपोजिशन को समझते हैं कि वो कब कौन सा जवाब देने वाले हैं, और उनके लिए वो अगला क्वेश्चन भी रेडी करके रखते हैं। सुधीर चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुधीर चौधरी भी अच्छे एंकर हैं, लेकिन रवीश कुमार के सामने वो कोई खास नहीं है। ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, कोई भी अपना रिपोर्ट लेकर आते हैं तो उसमें फैक्ट दिखलाते हैं कि हाँ ये सरकारी डाटा है और ये काम हुआ है, ग्राउंड लेवल पे क्या काम हुआ है, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम को अच्छे से मतलब कि अच्छे तरीके से मतलब कि प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग के सामने, जिससे समझ में आता है कि हाँ क्या मतलब कि दिखाया जा रहा है और क्या किस हद तक काम हुई है, ये सब चीज़ बताते हैं। सुधीर चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुधीर चौधरी एक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्शन में उनको अच्छा खासा पैसा दिए होंगे बीजेपी वाले, की बीजेपी का हर स्कीम को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी, यस। रवीश कुमार क्यों नहीं? सर भाई, सेकुलरिज्म के कारण। सुधीर चौधरी का एक खास बात जो आपको अच्छी लगती हो? सुधीर, हाँ, राष्ट्रवाद। हर एक चीज़ को मतलब हर एक टॉपिक को अच्छा से एक्सप्लेन करके बताते हैं, मतलब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। रवीश कुमार। रवीश कुमार क्यों? रवीश कुमार क्योंकि उनकी एंकरिंग अच्छी लगती है और वो विपक्ष के हिला के रखते हैं। सुधीर कुमार के बारे में क्या कहना चाहिए? सुधीर चौधरी के बारे में वो भी अच्छे हैं, बट नहीं एज कम्पेयर टू रवीश कुमार, वो जो है अगर रवीश, हाँ वो टॉप पे रवीश जी है, ज़्यादा अच्छे जी। अच्छा, रवीश कुमार का कोई खास बात जो आपको अच्छी लगी हो? उनका खास बात ये है कि सर मतलब कुछ भी बात को मतलब एकदम क्लियर करके ही मतलब वो ख़त्म करते हैं। हाँ हाँ, किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं वो, हाँ उनके बोलने से ऐसा ही लगता है। सुधीर चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में हम ज़्यादा जान नहीं रहे हैं क्योंकि हम इनका न्यूज़ देखते हैं हमेशा, इनका एंकरिंग देखते रहते हैं। तो देखा आपने, ये थी जनता की पसंद। हमारे चैनल को आगे देखने के लिए देखते रहे हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन बैंक को। धन्यवाद।